540 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, यानी कि 99 वोट द्रौपदी मुर्मू को ऐसे सांसदों का मिले हैं जो एनडीए के सांसद नहीं है। तो एक बड़ा बहुमत की तरफ वो जाते हुए दिखाई दे रही है। अभी पहले राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है और पहले राउंड में संसद के जितने सांसद हैं उनके वोट गिने जाते हैं। अब राज्यों के जो बक्से हैं उसके वोट गिने जाएंगे, पहले से छांट लिए गए हैं, लेकिन अब राज्यों के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हम जिस तरीके से देख रहे हैं, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, 540 सांसदों के वोट मिले जबकि 441 ही सांसद है बीजेपी के। ऐसे में जब हम देखते हैं कि अब अगर जब एमएलए के वोट गिने जाएंगे, निश्चित तौर पर उसमें भी बढ़त मिलेगी मुर्मू, क्योंकि बहुत लंबी छलांग मार। देखिए बिल्कुल सपना, जिस तरीके से दिखा रहा है आंकड़ा कि 540 में से 441 एनडीए को मिला है, यानी 99 लोग इनमें वो वोट होंगे जो वोट जैसे उड़ीसा की पूरा कहा गया कि उड़ीसा की तरफ से कहा गया, उनके मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपना समर्थन देंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना समर्थन दिया, जेएमएम ने अपना समर्थन दिया, शिवसेना ने अपना समर्थन दिया, तो उनके सांसदों के भी वोट मिले हैं। और यही एक तरह क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, हालांकि उसका पता बाद में चलेगा। एक और चीज जो राज्यों की जो क्रॉस वोटिंग हुई होगी उसका भी बाद में पता चलेगा, लेकिन ये आंकड़ा ये दिखाता है कि राज्यों के भी परिणाम इसी तरीके से आएंगे। तो जो पहले से तय माना जा रहा था कि इतने वोट एनडीए को मिलेंगे, एनडीए का आंकड़ा उस तय वोट से काफी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और विक्रांत, यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने कहा था कि वो यहाँ पर अपील करते हैं कि अंतरात्मा की सुनी जाए, और शायद अंतरात्मा यही कहती नजर आई जिन्होंने भी अपने वोट दिए कि द्रौपदी मुर्मू एक सही और एक मिसाल कायम करने वाला चेहरा है। देखिए बिल्कुल सबिना, क्योंकि कोई व्हिप इस पे जारी नहीं होता, कोई पार्टी इसमें कार्रवाई नहीं कर सकती, और द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा होने के बाद कई राजनीतिक दल जो पूरी तरीके से विरोधी थे बीजेपी के और एनडीए के, वो खुलकर सामने आ गए थे, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के नाम का समर्थन किया। लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ कई ऐसे विधायक हैं कई राजनीतिक दलों में, अलग अलग राज्यों में, जो अपनी पार्टी के साथ तो बने हुए हैं, उनकी पार्टी भले यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है लेकिन उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसी राज्यों से खबर आई थी जब राज्यों में वोटिंग हुई थी। तो अभी जब पूरा परिणाम आएगा राज्यों का, तो एक बड़ी तस्वीर साफ होगी कि कितने वोटिंग परसेंटेज जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिली है, क्योंकि एनडीए के पास जब द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा हुई थी तो एनडीए के पास करीब करीब 50% वोट थे, लेकिन जो बाद में अब आज हम नतीजे के दिन जब बात कर रहे हैं तो यह आंकड़ा 60-65% तक जा सकता है, तो 15% तक की बढ़त होगी, तो एक बड़ी जीत की तरफ। और इस बढ़त के पीछे आप सबसे बड़ी वजह किसे मानते हैं विक्रांत? बहुत जल्द चाहेंगे आपके। देखिए द्रौपदी मुर्मू का जो कैंडिडेचर अनाउंस किया गया तो उसका एक बड़ा असर पड़ा, महिला है, वो आदिवासी समाज से आती है, तो आदिवासी राजनीति करने वाले पार्लियामेंट वर काउंटेड। The result of counting is as follows. Total valid votes 748. The total value of valid votes is 5,23,600. 5,23,600. Out of this, Srimati Draupadi Murmu has secured 540 votes. With a value of 3,78,000. 3,78,000. Yes. And Shri Yashwant Sinha secures 208 votes. The value of votes is 1,45,600. 45,600. So. How many invalid? 15 votes. 15 votes were invalid. 1-5. Only parliament. I have given you the figures for the parliament just now. Kindly wait for the next announcement. All members of parliament, whether voted inside the parliament or in the state assemblies. जितने भी माननीय सांसदगण हैं उनके वोटों की गिनती की गई है, और जो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं वो उसी से रिलेटेड है। चाहे भले सांसद ने अपने संसद भवन में वोट किया हो या स्टेट असेंबलीज में वोट किया है, सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के वोट की गिनती मैंने आपको बताई है। अभी ओनली एमपीज टोटल वैलिड वोटों की संख्या है 748, जिनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 5,23,600। इसमें से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले जिनकी वैल्यू है 3,78,000, और श्री यशवंत सिन्हा को
मिले 208 वोट जिनकी वैल्यू है 1,45,600। ये अभी तक की स्थिति है, बाकी फिर आपको सूचित करेंगे। 15 वोट इनवैलिड हुए हैं, जैसे ही हो जाता है तुरंत बताते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वोटों की गिनती को लेकर कि किस तरह से यहां पर इस वक्त द्रौपदी मुर्मू को 540 जो है वो वोट यहां पर सांसदों के आए हैं, जबकि एनडीए में कुल 441 है, यानी सीधे सीधे तौर पर 99 वोट यहां पर सीधा पड़ते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वो एक ऐसी मिसाल बनकर सामने आ रही है जिन्हें सभी ने खुले दिल से यहां पर अपनाया। क्या कुछ इसको लेकर विक्रांत आप कहेंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं जिसकी कुल वैल्यू जो बनती है वो 378,000 बनती है, और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं जो 1,45,000 करीब 600 वोट उनकी वैल्यू बनती है। करीब करीब 2,33,000 की बढ़त मिल चुकी है द्रौपदी मुर्मू को सांसदों के वोट में। और सबसे बड़ी बात जो सांसदों की वोटिंग पैटर्न में नजर आई है कि एनडीए के अपने जो वोट थे उससे एनडीए को 99 वोट ज्यादा मिले हैं, तो एक बड़ा बहुमत उन्हें सांसदों के वोट में मिला है, और यही पैटर्न जब राज्यों की वोटिंग शुरू होगी तो उसमें भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बड़ी बढ़त मिल गई है, 2,33,000 का लगभग डिफरेंस है जो हम आपको बता रहे हैं। और अभी जो विधायक हैं उनके जो मतदान था वो मतपेटी खुलना बाकी रह गया, लेकिन ऋतिका हमारे साथ में, हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है मयूर बन से, उनका रुख कर लेते हैं। ऋतिका, जब नतीजे पहले रुझान में सामने आए, पहले राउंड में सामने आए, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू को बड़ी बढ़त मिल चुकी है, अब किस तरीके से वहां के लोग जश्न मना रहे, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए बढ़त तो मिल चुकी है, 540 वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को, अभी शुरुआती तौर पर जो रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन ये लोग पहले से ही द्रौपदी मुर्मू की जीत मानकर चल रहे हैं, और ऐसे में जश्न में पिछले कई घंटों से लगातार जा रही है, बिना रुके बिना थके ये लगातार ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए किस तरीके से लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, और वो पीछे जो आप हरे रंग का जो घर देख रहे हैं वही द्रौपदी मुर्मू का घर है, जिसे पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, लाइट्स वहां पर लगा दी गई है, और इसके साथ ही तिरंगे के रंग के बैलून से पूरी तरीके से घर को अंदर से सजाया गया है। इसके साथ ही आपको इस पूरे रूट की तस्वीर मैं दिखा दूं, क्योंकि यहां पर अभी फिलहाल जो है आधे रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि किसी तरीके की जाम की स्थिति ना बने। एक तरफ आवाजाही होती रहे तो दूसरी तरफ दूर दराज से जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं जश्न में शामिल होने के लिए, उनके जश्न में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ये लोग ये मानकर चल रहे हैं कि भले ही अभी इंतजार है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति बन चुकी है, इसी चीज को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से खुशी का माहौल है, क्या ये मानकर चल रहे हैं, और क्या कुछ उम्मीदें अब देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति से होने जा रही है, जो कि कुछ ही देर में अब ऐलान हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू किस तरीके से आप इन्हें देख रहे हैं और कैसे जश्न मन रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा है, लग रहा है। क्या उम्मीदें हैं द्रौपदी मुर्मू से आपकी? उम्मीद है कि जो भी है सरकार के देश के लिए भला कीजिएगा, क्योंकि हम लोग 3 क्लास में हम लोगों को पढ़ाए थे, ABCD सिखाए थे, और हम स्कूल में स्टूडेंट रहे द्रौपदी मुर्मू के। जी जी। कौन सी क्लास में? क्लास 3 में। क्लास 3 में, मतलब द्रौपदी मुर्मू ने आपको पढ़ाया था क्लास 3 में। जी, वो तो देखिए ये स्टूडेंट रहे द्रौपदी मुर्मू के, क्योंकि एक शिक्षक के तौर पे ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और फिर उसके बाद उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, लेकिन अब उम्मीदें इस लिहाज से ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि समाज की मुख्य धारा से जिस तरीके से आदिवासी समुदाय जो है कटा हुआ दिखता है या माना जाता है, अब लोगों को ये उम्मीद है कि अब जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद यानी कि देश के सर्वोच्च पद पर काबिज होने जा रही है, तो सबसे पहले उनकी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। कैसे कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भीड़ पर भीड़ इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है, औपचारिक ऐलान का बाकी है, लेकिन आप तो मानकर चल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति हैं। जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि द्रौपदी जी ही प्रेसिडेंट बन रहे हैं, और सही बात यह है कि जिस दिन से NDA डिक्लेयर किया कि द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उसी दिन से सेलिब्रेशन शुरू हो गया कि हम लोगों को 100% ये कन्फर्म है कि द्रौपदी जी ही प्रेसिडेंट बनेंगे, और इनका सिंप्लिसिटी जो है उनका वो पूरा ट्रू रिफ्लेक्शन है। वो छोटा सा द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया वो उसी दिन से जश्न मना रहे हैं, लेकिन अब इंतजार करना है कि कौन कौन से राज्यों में किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को बढ़त मिलती है, क्योंकि 99 वो कौन से सांसद रहे जो NDA से बाहर तो रहे लेकिन उन्हें बतौर उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पसंद आई, इसीलिए कांग्रेस समेत पूरे विपक्षी दल की जो रणनीति है वो फैल रही। विक्रांत, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, और विक्रांत
हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 99 सांसद रहे, बाहर के रहे, जो है उन्होंने वोट किया, लेकिन जब राज्यों का आएगा सामने रिजल्ट तो ये देखना होगा कि बीजेपी शासित राज्य तो करेंगे, लेकिन वो कौन से दूसरे राज्यों के जहाँ बीजेपी शासित नहीं लेकिन फिर भी द्रौपदी मुर्मू की तरफ पड़े। देखिए झारखंड में दिखाई दे रहा है कि बड़ा राजनीतिक दल है, साझे सत्ता में सबसे बड़ा दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने ओपन सपोर्ट कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगनमोहन रेड्डी ने पूरा सपोर्ट अपना दिया था। शिवसेना ने अपने जी बिल्कुल बिल्कुल 5 राज्यों की फुल वोटिंग हुई थी और शिवसेना ने अपना सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने कि हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। ये सब तो ओपन में आ गए थे, लेकिन जो बड़ी चीज है जो राज्यों की वोटिंग में सामने आएगी कि कई राजनीतिक दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की है, क्योंकि चुनाव के दौरान इस तरीके की खबरें आई थी कि हाँ बिल्कुल उत्तर प्रदेश की वोटिंग वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ी वोटिंग वैल्यू है उत्तर प्रदेश की और वहां से द्रौपदी मुर्मू को उत्तर प्रदेश से ही बहुत बड़ी लीड मिलने जा रही है, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। तो विक्रांत आपको ये भी लगता है क्योंकि अपने खेमे से वोट मिलना जाहिर सी बात है, लेकिन जब दूसरे खेमे से यहाँ पर वोट मिलता है तो यकीनन सामने वाले ने इस बात को यहाँ पर स्वीकार लिया है कि जो दावेदार यहाँ पर उतारा गया है वो वाकई रायसीना हिल्स में आज उसी की सजावट देखने को मिलेगी और यही वजह है। देखिए सभी ने नतीजा तो यही दिखा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर वोट एनडीए के खाते में जुड़े हैं। जो एनडीए के वोट थे वो तो द्रौपदी मुर्मू को मिल ही रहे हैं, लेकिन एनडीए से बाहर के वोट उन्होंने जोड़े और वो वोट इसीलिए जुड़े क्योंकि वो द्रौपदी मुर्मू के नाम से बाहर नहीं जा सकते। कोई सोच नहीं सकता कि आज की स्थिति में जब शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में गिरी है और वो इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, उसके बावजूद वो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार कह रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के जरिए, लेकिन वो समर्थन दे रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को। तो ये साफ दिखाता है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम से ये लोग अलग नहीं हो सकते थे, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी। और यही वजह है कि आंकड़े और रुझान इस वक्त सीधे सीधे द्रौपदी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वही राष्ट्रपति बनती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यहाँ पर साफ दिख रही है। हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी बढ़त बना ली है। रायसीना हिल्स पर जो इंतजार पिछले 3 दिनों से देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए हो रहा था वो इंतजार आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आते ही ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। राष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है। सुबह 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम नतीजों का आधिकारिक तौर पर ऐलान होगा। हालांकि रायसीना हिल्स के लिए हो रहे मुकाबले में द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि एनडीए कोटे के वोटों के अलावा द्रौपदी मुर्मू को कई गैर एनडीए दलों की ओर से चुनाव में जो समर्थन मिला उसने चुनाव में उन्हें बड़ी बढ़त दिला दी और इसी बढ़त की वजह से द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। और जीत के बाद की तैयारी द्रौपदी मुर्मू के गांव में घंटों पहले से ही शुरू हो गई। ये द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा स्थित गांव रायरंगपुर की तस्वीरें हैं, जहां जीत की खुशी में लोगों का मुंह मीठा कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग के पास एक निवास में रह रही हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए उनके आवास पर जाएंगे। इधर बीजेपी ने भी द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी दफ्तर से राजपथ तक अभिनंदन यात्रा निकालेंगे। ये इशारा करते हैं कि देश का नया महामहिम आखिर कौन बनने वाला है, लेकिन इस बीच रितिका हमारे साथ बनी हुई है। रितिका एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। जीत से पहले जब जीत का जश्न मनाया जाता है तो वहां पर प्रेम विश्वास और भरोसा नजर आता है, कैसी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए भरोसा तो शुरुआत से इन लोगों के दिलो दिमाग में है, क्योंकि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए किस तरीके से काम करती है। तो 1958 में द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी परिवार में जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी राह बहुत मुश्किल भरी रही थी। अपने जीवन में जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक अपने परिवार के सदस्यों को खोते हुए देखा, उसके बाद लग रहा था कि वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर राजनीतिक करियर को इस तरीके से आगे बढ़ाती हुई नजर आई कि
काबिज होने जा रही है और ये लोग यही मानकर चल रहे हैं कि वही अब राष्ट्रपति बनेंगी, क्योंकि औपचारिक ऐलान का अभी भी इंतजार है लेकिन लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूर दराज से आए हैं, इनको पता था कि द्रौपदी मुर्मू का यही घर है और ऐसे में सबसे ज्यादा खुशी का माहौल अगर कहीं होगा तो वही होगा। ऐसे में एक बार फिर से लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे लेकिन साथ ही साथ आपको सड़क के उस पार की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए आदिवासी समुदाय की महिलाएं भी वहां पर मौजूद है, हालांकि शर्मा रही है, वो यहां पर आने से कतरा रही है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ज्यादातर शर्माते हुए ये कह रही है कि देखिए ये खुशी का माहौल है और इसी पल का इंतजार हम कर रहे थे। इनसे बातचीत कर लेते हैं, किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है, आप कुछ कहेंगे? तो देखिए ये शर्माती हुई ये तमाम महिला, हाँ जी बताइए। मोदी है तो मुमकिन है। द्रौपदी मुर्मू क्या उम्मीद है अब? हमें उम्मीद है अब राजरंगपुर का डेवलप होगा। हाँ। अब राजरंगपुर को अब पूरा ऑल ओवर इंडिया पहचान गया, छोटा सा राज्य हम लोग का, छोटा सा मयूरभंज माटी से निकली हुई दीदी आज हम लोग के लिए आज रायसीना हिल, मयूरभंज को से लेकर रायसीना हिल तक हम लोग को सम्मान मिला बहुत बड़ा। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे हमारे राजरंगपुर को इतना गौरव। लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, ये वो गांव है जिसे अब तक सिर्फ द्रौपदी मुर्मू का गांव आप कहिए या वो इलाका कहिए लेकिन आज से जिस तरीके से बढ़त बनाई है और जो दिख भी रहा है, द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनती है तो ये अब से राष्ट्रपति का गांव कहलाएगा। इसी के साथ में तीन तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उस क्षेत्र की जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आधिकारिक ऐलान बाकी है, द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति है। और आप इस बात को इसी बात से समझिए कि वो एक ऐसे गांव से निकलकर बाहर आई जहां पर बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं थी, जहां पढ़ाई का दूर दूर से नाता नजर नहीं आता है। आज भले ही इस गांव की तस्वीर बदली बदली नजर आ रही हो लेकिन आज इसी गांव पर पूरे देश की निगाहें आकर टिक गई है क्योंकि जहां जन्म हुआ, जहां वो पली बड़ी, अपनी प्राथमिक शिक्षा जिन्होंने जहां पर ली और आप देखिए किस तरह से मिठाइयों का इस वक्त पूरा 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 ये तांता लगा हुआ है, पूरी ये तस्वीरें नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद संख्या में मिठाइयां इस वक्त तैयार की जा चुकी है, ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे हैं। यही तस्वीरें यहां पर बताने के लिए काफी है कि इस वक्त किस तरह से द्रौपदी मुर्मू के बस आधिकारिक तौर पर महामहिम बनने की घोषणा जो है वो होनी बाकी है। पेश हुई थी लेकिन इस बीच यह बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि सोनिया गांधी की पूछताछ फिलहाल ईडी से खत्म हो गई है। तो सोनिया से ईडी की पूछताछ फिलहाल खत्म हो गई है। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में फिलहाल आपको बता दें कि ईडी जो पूछताछ सोनिया गांधी से कर रही थी वो खत्म हो गई है। 25 जुलाई को फिर हो सकती है पूछताछ, ये खबर निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई लेकिन इस बीच पूछताछ आज की जो पूछताछ है वो खत्म हो गई है। 25 जुलाई को फिर पूछताछ हो सकती है, ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। नेशनल हेराल्ड मामले में आपको बता दें कि सोनिया गांधी की पेशी थी और आज फिलहाल आपको बता दें तमाम सवालों के जवाब जो है तलाशने की कोशिश ईडी की तरफ से की गई लेकिन आज के दौर की जो पूछताछ है वो खत्म हो गई है। 25 जुलाई को एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है, ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि इस बीच लगातार कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किए जा रहे थे देश के तमाम राज्यों में। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया, कहीं नारेबाजी की गई, कहीं हाथापाई की गई लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब सोनिया गांधी से पहले दौर की पूछताछ जो है ईडी की तरफ से की गई वो खत्म हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सोनिया गांधी से जो पूछताछ हो रही थी ईडी के सामने आज सोनिया गांधी पेश हुई, कई सवालों का सामना आज सोनिया गांधी ने किया क्योंकि ईडी के सामने उनकी आज पेशी थी। और आपको बता दें फिलहाल जो है ईडी से पूछताछ का जो पहला दौर है वो खत्म हो गया है। 25 जुलाई को एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 25 जुलाई को फिर से पूछताछ हो सकती है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी की आज पेशी थी लेकिन पहले दौर की जो पूछताछ है वो फिलहाल खत्म हो गई है लेकिन 25 जुलाई को एक बार फिर से इस पूरे मामले में उनसे
सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, 50 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ की गई। आज सोनिया गांधी को बुलाया गया था, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया। लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि तमाम जो एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रहार किया गया। उनकी तरफ से कहा गया अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी का सामना क्यों नहीं कर रही कांग्रेस। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो हमने देखे सड़कों पर, कांग्रेस का हंगामा हमने देखा आज, किस तरीके से सड़क से लेकर संसद तक आज कांग्रेस की तरफ से हो हल्ला हुआ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सोनिया गांधी से आज जो ईडी पूछताछ कर रही थी, पहले दौर की जो पूछताछ है वो खत्म हो गई है। कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज ईडी ने की, लेकिन इस बीच आप ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना की चार तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से कहीं नारेबाजी की गई, कहीं हाथापाई की गई, और कांग्रेस की तरफ से सड़कों पर आप देखिए हंगामा किया गया। लेकिन पहले दौर की जो पूछताछ है फिलहाल सोनिया गांधी से, जो ईडी पूछताछ कर रही थी, क्योंकि सवालों का सामना किया है आज सोनिया गांधी ने खुद। और इस बीच आपको बता दें कि आज के दौर की पूछताछ खत्म हो गई है, 25 जुलाई को एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है, ये जानकारी मिल पा रही है। लेकिन दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना की तस्वीरें, इससे पहले जब ईडी के सामने पेश होना था सोनिया गांधी को, तब से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस की तरफ से कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सोनिया गांधी से पूछताछ खत्म हो गई है, वो ईडी के दफ्तर से बाहर निकल गई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि 25 जुलाई को एक बार फिर से सोनिया गांधी से पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने सोनिया गांधी से पूछताछ की, और इस मामले में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, और इसी मामले में सोनिया गांधी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। तो नेशनल हेराल्ड मामले में आपको बता दें आज सवालों का सामना किया सोनिया गांधी ने। और अरुण सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी, आज के दौर की पूछताछ खत्म हो गई है, सोनिया गांधी ने आज सवालों का सामना किया? देखिए, ज्यादा समय तक पूछताछ नहीं हुई सोनिया गांधी से, क्योंकि पहले से ये पता था जांच एजेंसी को कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो काफी दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रही हैं, उनकी सर्जरी भी हुई है, और इसीलिए ईडी से रिक्वेस्ट की गई थी कांग्रेस द्वारा कि उनको चूंकि कुछ कुछ घंटों के अंदर दवाई देनी पड़ती है, उनकी हालत ठीक नहीं है, और इसलिए पूछताछ में अगर वो आती है तो प्रियंका गांधी को भी उनके साथ रहने दिया जाए। जाहिर सी बात है जब पूछताछ होगी तो वहां सिर्फ जांच एजेंसी के लोग ही होंगे, लेकिन प्रियंका गांधी बगल के कमरे में बैठी रही, उनको समय समय पर दवाई देती रही। और सोनिया गांधी अस्थमेटिक हैं, उनको अस्थमा की बीमारी पहले से है, और कभी भी जब दिल्ली में आप देखिए कि जब ज्यादा प्रदूषण होता है तो वो गोवा चली जाती हैं या फिर उनको गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। इस बीच उनको कोविड भी हो गया था, और सांस की बीमारी के साथ कोविड का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो आज जो उनसे पूछताछ हुई है, लंबी पूछताछ नहीं हुई है, जांच एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि आज की पूछताछ अब खत्म हो गई। हो सकता है कि उनको आगे बुलाया जाए, सोमवार को बुलाया जाए या किसी और दिन बुलाया जाए, लेकिन आज सोनिया गांधी से जो पूछताछ हुई है वो नेशनल हेराल्ड, यंग इंडियन और कांग्रेस पार्टी की तरफ से फंड कैसे ट्रांसफर किया गया, चूंकि सोनिया गांधी की भी हिस्सेदारी उसमें 38% है, राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है, तो दोनों से जो सवाल राहुल गांधी की से किए गए थे वही सवाल सोनिया गांधी से भी किए गए हैं। और जांच एजेंसी कह रही है, जो उसके सूत्र हैं, कि सोनिया गांधी ने सवालों के जवाब दिए हैं, जरूरत पड़ी तो उनको फिर बुलाया जाएगा। बिल्कुल, ये जानकारी निकल कर आ रही है कि 25 जुलाई को एक बार फिर से बुलाया जा सकता है सोनिया गांधी को। लेकिन इस बीच लगातार हम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया, क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी को बुलाया गया था उस वक्त भी हमने देखा कि कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरी थी। लेकिन आप देखिए, ये पांच तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बेंगलुरु में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, प्रदर्शनकारियों ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। दिल्ली में आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की जांच का विरोध लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। ये पांच तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि आज पहले दौर की जो पूछताछ थी सोनिया गांधी से वो खत्म हो गई है, फिलहाल वो ईडी दफ्तर से बाहर निकल आई हैं। लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि 25 तारीख को एक बार फिर से सोनिया गांधी को बुलाया जा सकता है। ये पांच तस्वीरें हैं, आपको बता दें कि आज दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना और जम्मू लगातार वहां पर प्रदर्शन किया गया। अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण,
हमने तमाम आज प्रदर्शन की तस्वीरें देखी अरुण, देश के तमाम राज्यों में आज कांग्रेस की तरफ से उग्र प्रदर्शन किया गया, कहीं नारेबाजी की गई, कहीं पर हो हल्ला हुआ, लेकिन आज जो है पहले दौर की पूछताछ फिलहाल सोनिया गांधी से खत्म हो गई है। किन किन सवालों के जवाब तलाशे गए आज? देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है ईडी का, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस यह दलील देती है कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ नहीं है जिसकी वजह से पीएमएलए लगाया गया है, लेकिन ईडी का कहना है कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ है, गलत तरीके से कम पैसे में ज्यादा संपत्ति हड़पने की कोशिश हुई है। यह आरोप ईडी का है और यह आरोप सुब्रमण्यम स्वामी का भी है जो कोर्ट में उन्होंने लगाया जिस पर जांच हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये जो अखबार था नेशनल हेराल्ड, वो गांधी परिवार का ही अखबार था और अपने ही अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया है, तो इसमें कोई अनियमितता नहीं है, किसी ने कोई एक लाभ नहीं कमाया, न सोनिया गांधी ने कोई पैसा कमाया, न राहुल गांधी ने कमाया है, नहीं उसमें से कुछ वो पा सकते हैं, उसके लाभांश में से भी कोई हिस्सा उनको नहीं मिल सकता। तो ये दोनों तरफ की दलीलें हैं। इस बीच सोनिया गांधी से जो आज की पूछताछ हुई है, कहा दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन ये चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए, ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं, किस तरीके से वहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है उन्हें बिठाने की कोशिश कर रही है। राजा बड़िंग को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगातार नारेबाजी की गई और यहां पर शांत करवाने की कोशिश राजा बड़िंग की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि आज पहले दौर की जो पूछताछ है सोनिया गांधी से वो खत्म हो गई है, लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि 25 जुलाई को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन देश के तमाम राज्यों में आज कांग्रेस की तरफ से हंगामा देखने को मिला और चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर फिलहाल जो है शांति बरतने की के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का राजा बड़िंग को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो भी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि तमाम जो जांच एजेंसियाँ हैं वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, तंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि बड़ी तादाद में चंडीगढ़ में भी तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे। आप देखिए कि किस तरीके से हाथापाई यहाँ पर की गई है कार्यकर्ताओं की तरफ से और पुलिस जो है बीच बचाव के लिए यहाँ पर पहुंची और समझाने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। लेकिन आप देखिए, देश में तमाम राज्यों में आज यही तस्वीर जो है कांग्रेस की तरफ से देखने को मिली, कहीं पर नारेबाजी कांग्रेस की तरफ से की गई, कहीं पर हंगामा किया गया, कहीं आपको बता दें कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई ट्रेन रोकी गई हैं और इस बीच आप देखिए कि यूथ विंग की तरफ से चंडीगढ़ में ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अरुण, हम लगातार देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये प्रदर्शन जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। चंडीगढ़ की तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि सोनिया गांधी फिलहाल ईडी दफ्तर से बाहर निकल आई है और क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन करी और कांग्रेस ने कल ही कहा था कि पूरे देश में ईडी के तथा कथित रूप से राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस से आरोप लगाती है कि जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, उनको राजनीतिक बदले की भावना के तहत इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, रविशंकर प्रसाद ने सुबह कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। इस बीच सोनिया गांधी से जो पूछताछ आज की थी वो खत्म हो गई और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के साथ उनके घर पहुंच गई हैं। तो कुल मिलाकर के आज की जो जांच है वो खत्म हो गई, लेकिन क्या जांच एजेंसी दोबारा सोनिया गांधी को समन करती है, बुलाती है, इस बाबत थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि जांच एजेंसी उसी वक्त, अगर अगले दिन उनको बुलाना होता है किसी को भी, तो उसी वक्त समन दिया जाता है, घर जाने से पहले ही समन पे दस्तखत कराए जाते हैं कि कल आपको फिर आना है। तो अभी थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सोमवार को बुलाया है या कुछ दिन गैप देके बुलाएंगे, क्योंकि मैं ये आपको दोहरा दूं कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती थी वो, गंगाराम हॉस्पिटल में कोविड हुआ था उनको और उसके साथ साथ लंग की उनको अस्थमा की पहले से ही समस्या है। ऐसे में बहुत ज्यादा देर तक पूछताछ नहीं हुई और प्रियंका गांधी उनके साथ इसीलिए गई थी क्योंकि उनको समय समय पर दवा देना पड़ता। तो देखना होगा कि अब जांच एजेंसी उनको कब बुलाती है। बिल्कुल, यही देखना होगा कि जांच एजेंसी उन्हें फिर से एक बार कब बुलाती है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम चंडीगढ़ की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर भी जो तमाम यूथ कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ की सड़कों पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप चंडीगढ़ की देख पा रहे हैं, लेकिन देश के तमाम राज्यों में यही तस्वीरें नजर आए। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना, हैदराबाद, बेंगलुरु की तस्वीरें आप देखें कि किस तरीके से उग्र प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किया गया।
कहीं पर हाथापाई की गई, कहीं पर नारेबाजी की गई। तो आज सड़क से लेकर सदन तक दिल्ली में भी हंगामा देखने को मिला है कांग्रेस की तरफ से, और लखनऊ में आप देखिए कि किस तरीके से बहसबाजी यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में भी देखिए पैदल मार्च यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाला गया। पटना, हैदराबाद, बेंगलुरु की तस्वीरें, बेंगलुरु में आप देखिए कि किस तरीके से एक कार को आग के हवाले कर दिया गया, उग्र प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस की तरफ से किया गया। 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरीके से आज कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। पंजाब पुलिस की तरफ से आप देखिए क्योंकि लगातार जो है आज ईडी के सवालों का सामना किया सोनिया गांधी ने, हालांकि अब जो है उनकी पूछताछ खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये तस्वीरें आप देखिए, चंडीगढ़ से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की जा रही थी, शांत करवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार डटे हुए, अड़े हुए नजर आए, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच देखिए आपको मजबूरन पुलिस को यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। है तस्वीरें चंडीगढ़ से जहां पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया क्योंकि आज सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश किया गया। और इस बीच आपको बता दें कि पहले दौर की जो पूछताछ है सोनिया गांधी के साथ ईडी की, वो खत्म हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चंडीगढ़ से जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया क्योंकि लगातार देखिए आप किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया।